पुजारी, मौत का कोई खौफ नहीं है तुझे जो सीधे मौत के मुंह में आ गया पूजा करने? महादेव के भक्त हैं हम, चीता का भस्म लगाते हैं, मरघट में रहते हैं और मौत का अलग जगाते हैं। ग्लोबल स्टार खेसारी लाल की फिल्म रंग दे बसंती इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर चौंकाने वाली कमाई कर रही है। मतलब कि दोस्तों, रंग दे बसंती फिल्म का जो डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है काफी जबरदस्त कर रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे रंग दे बसंती फिल्म का 8 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन, साथ ही साथ जानेंगे इस फिल्म ने 8 दिनों में कितनी करोड़ की कमाई की। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आप सभी को एक ऐसा अपडेट बताने वाला हूँ जिसे अगर आप सभी ने एक बार सुन लिया तो भाई आप सभी ये बोलने पर मजबूर हो जाओगी कि भाई आप इस अपडेट को पहले क्यों नहीं बताए। 100 रुपया खर्च करके इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने गया, अगर आपने इस अपडेट को पहले बता दिया होता तो भाई 100 रुपया तो बच जाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि सारी बैक फिल्म रंग दे बसंती को आप सभी ने देखी तो कैसी लगी, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर। पिछले सप्ताह रिलीज हुए रंग दे बसंती फिल्म, जिस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं परमांशु सिंह, और इस फिल्म में पहली बार खेसारी बैग के साथ में रति पांडे डायना खान की फ्रेश जोड़ी देखने को मिल रही है। इस फिल्म का जब से अनाउंसमेंट हुआ था फिल्म को लेकर फैंस के बीच में काफी एक्साइटमेंट बनी हुई थी, जिसके कारण इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा रिस्पांस देखने को मिला। यहाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे, रंग दे बसंती फिल्म रिलीज होते ही पहले दिन डिसेंट कमाई की, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन काफी अच्छे आए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मंडे आया यानी कि सोमवार, फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन नीचे गिरते चले गए। हालांकि दोस्तों, फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ता हो चुके हैं और वह आज से जो है फिल्म 3 दिनों तक अच्छी खासी कमाई करने वाली है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि फिल्म का टिकट का दाम जो है शुक्रवार, शनिवार और रविवार बढ़ा दिया जाता है, और वह फिल्म ने तो 1 हफ्ता में काफी बवाल की कमाई कर ली है। अगर बात करें रंग दे बसंती फिल्म का डिटेल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले आप सभी को इस फिल्म को लेकर एक तगड़ा अपडेट दे देना चाहता हूँ। तो भाई, जिन लोगों ने इस फिल्म को देखी तो काफी बढ़िया बात है, और जिन जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है उन लोगों के लिए ये अपडेट काफी बढ़िया होने वाला है। बहुत भाई लोग जो है मेरे कॉमेंट बॉक्स में पूछते रहता है कि भाई मैं इस फिल्म को कैसे देख सकता हूँ। तो अगर आपके नजदीकी सिनेमा हॉल में इस फिल्म को लगाया गया है तो जाकर देख लीजिए, और अगर नहीं लगाया गया है, अगर आपके नजदीक में सिनेमा हॉल है ही नहीं, तब आप इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो भाई, गूगल पे जाकर सर्च मारिए धमाका म्यूजिक, पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ पे सर्च मारिए रंग दे बसंती, उसके बाद वहाँ पे आप सभी को रंग दे बसंती आ जाएगा। कितना में आप सभी को डाउनलोड करना है क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन भाई, अगर आपके नजदीकी सिनेमा हॉल में इस फिल्म को लगाया गया है तो मेरा मान के चलिए तो भाई आप सभी अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखिए फ्रेश क्वालिटी और फ्रेश साउंड के साथ। तो चलिए भाई, आप बात कर लेते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि खेसारी बैग फिल्म रंग दे बसंती ने शुरुआती 7 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 5,24,00,000 रुपए का किया था। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को जो आज ओकुपेंसी मिली है वो काफी बेहतर किया है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक रंग दे बसंती फिल्म अपने 8वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रहा है 70,00,000 रुपए का। और इसी के साथ दोस्तों, रंग दे बसंती फिल्म शुरुआती 8 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 5,94,00,000। जी हाँ दोस्तों, बजट के मामले में फिल्म ने अपना आधा बजट पार कर लिया है। तो दोस्तों, फिल्म ने तो 8 दिनों के अंदर अच्छी खासी कमाई कर ली है, अब आने वाले 3 दिनों में भी फिल्म का कलेक्शन अच्छा खासा आएगा, और नजरें टिकी हुई है इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन पे। ये फिल्म अपना लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ तक करती है, जिस तरह से इस फिल्म को सिनेमा घरों में पब्लिक के द्वारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे देखकर तो लग रहा है कि ये फिल्म पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर होने वाला है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, रंग दे बसंती फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ तक जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली रंग दे बसंती का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सभी भाइयों को जय श्री राम।